नमस्कार। आदर्श संस्थान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी संस्कृत विषय, जिसमें हम व्याकरण को पढ़ रहे थे, व्याकरण बिंदु में संधि को पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने स्वर संधि को पूरा किया। अब स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि के कुछ नियमों को पढ़ेंगे, उसके कुछ सामान्य नियमों की जानकारी करेंगे। कक्षा अष्टमी में व्यंजन संधि, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि के जो सामान्य जानकारी है, उसके आधार पर हम आज व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के कुछ नियम है जो हमारे कक्षा लेवल की परीक्षाओं में आने लायक है, ऐसे नियमों को आज हम देखेंगे। व्यंजन संधि का मतलब ये है जिसमें दोनों तरफ व्यंजन या हल आता हो। हल कोई व्यंजन कहते हैं, तो दोनों तरफ या तो दोनों तरफ प्रथम पद के अंत में या द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन होगा, या फिर प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर भी हो सकता है। प्रथम पद में व्यंजन ही आएगा, द्वितीय पद में व्यंजन या स्वर कोई भी आ सकता है, और उसके आधार पर, नियमों के आधार पर उसमें जो विकृति होगी, उसका विकार होगा, वह उसका संधि पद होगा। और किसके आने से क्या विकार होगा, इसको आज हम पढ़ेंगे। व्यंजन संधि, हल संधि, इसमें पहला नियम है जसत्व संधि। जसत्व में भी ऐसा यहाँ दिया हुआ है कि ज पहले से यहाँ दिया हुआ आगे, तो ज अपने आप में तृतीय वर्ण है। जसत्व में वर्ग का जो पहला दूसरा तीसरा चौथा प्रथम पद के अंत में, जसत्व संधि में प्रथम पद के अंत में वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आएगा, उसके बाद स्वर या तीसरा चौथा या फिर ये वर्ण हो, तो प्रथम पद के वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा आ रहा है, प्रथम पद के वर्ण के स्थान पे उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। उसी वर्ग का जो वर्ण आया है उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन विकार होगा प्रथम पद में। आगे जो हमारी शर्त है, तृतीय पद में स्वर या तीसरा चौथा या यह वर्ण होना चाहिए। ये हो तो प्रथम पद के वर्ण के स्थान पे अंतिम वर्ण के स्थान पे उसका तृतीय वर्ण हो जाएगा, जैसे दिख दलगज। तो यहाँ अंतिम वर्ण का है, का जो अपने आप में का वर्ण का प्रथम वर्ण है, इसके बाद में तीसरा चौथा यानी कि तीसरा वर्ण है, तो प्रथम वर्ण के स्थान पे प्रथम पद के अंतिम वर्ण के स्थान पे उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा, का तृतीय वर्ण का, और इसके साथ इसकी संधि हो जाएगी दिग्गज। वाक तंजाल, इसमें भी क प्रथम वर्ण आया, उसके बाद में तृतीय वर्ण आया है, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, वाक जाल। षड्वेग, क वर्ग का प्रथम वर्ण है और आगे व्यंजन आया है, व्यंजन में भी तीसरा चौथा वर्ण आई है, क वर्ग का चौथा वर्ण है, तो इसके स्थान पे ट का क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा षड्वेग। महत जीवनम, तो यहाँ पर भी ये प्रथम वर्ण आया या तृतीय वर्ण आया है, तो इसके स्थान पे अपने वर्ग का द था, द महत जीवनम हो जाएगा। इसमें भी प्रथम वर्ण है, आगे स्वर आया हुआ है, बाकी स्वर आ सकता है, स्वर आया हुआ है, तो बाकी सुधरेगा, यहाँ स्वर आया है तो स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो जाएगा, ये पूर्ण पद हो जाएगा वाकी। दूसरा नियम है अनुस्वार संधि का, व्यंजन में इसका दूसरा नियम है अनुस्वार संधि। प्रथम पद के अंत में माँ आता है, उसके बाद में कोई भी व्यंजन आता है, तो प्रथम पद के माँ के स्थान पर उस वर्ण का अनुस्वार हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पद में पंचवर्ण माँ आता है, प्रथम पद में से पंचवर्ण माँ आएगा, उसके बाद में कोई भी व्यंजन आएगा, हलिया व्यंजन आएगा, तो माँ के स्थान पे, ये पंचवर्ण माँ है, उसके स्थान पे अनुस्वार हो जाएगा।
कुछ एक, इसमें एक दूसरी शर्त भी है, अगर पंचवर्ण के बाद में स्वर वर्ण आता है, द्वितीय पद में स्वर वर्ण आता है तो उसका पंचवर्ण नहीं होगा, क्योंकि उसका अनुस्वार नहीं होगा पंचवर्ण का। प्रथम पद के अंदर तो म आ रहा है, उसके बाद में स्वर आता है, द्वितीय पद में स्वर आता है तो फिर उस म का अनुस्वार नहीं होगा, क्योंकि जब व्यंजन अनंत में होता है और अनंत में होता है आगे स्वर आता है तो वो स्वर के योग से पूर्ण बन जाता है। जिस प्रकार अनंत में था आगे ही आया तो इसके द्वितीय वर्ण में बदलने के बाद भी अनंत में होकर के भी इसके साथ मिला तो पूर्ण हो गया, क्योंकि आगे यदि कोई स्वर आता है हल व्यंजन के आगे तो हल व्यंजन स्वर के योग से पूर्ण व्यंजन बन जाता है, उसका पूर्ण वर्ण बन जाता है, इसलिए माँ का अनुस्वार नहीं होगा, कि स्वर आता है तो माँ का अनुस्वार नहीं होगा। जैसे रामम धन वंदे, यहाँ पंचम मा है आगे हल व्यंजन आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रामम वंदे हरिम श्रेयते, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हरिम श्रेयते दुखम त्यज, यहाँ माँ का अनुस्वार हो जाएगा और इसको ऐसे ऐसे लिखेंगे दिवम दंत, इसका क्या हो जाएगा, दिव दंत विद दंत, इसके साथ ये इसको हम ऐसे भी लिखते हैं द्विगंत दिवम दंत दिवम या द्विगंत एवं कृत्वा, एवं कृत्वा में माँ का भी अनुस्वार हो जाएगा और आगे कृत्वा इसको ऐसे ऐसे लिखेंगे। तो ये आगे अगर माँ के बाद में अगर कोई व्यंजन आता है तो माँ का अनुस्वार हो जाएगा। तीसरा नियम है परस्वर्ण का, परस्वर्ण में यदि प्रथम पद के अंत में यर वर्ण आते हैं, यर वर्ण यर प्रत्यय के जो वर्ण है, यर वर्ण का मतलब ह के अतिरिक्त, ह के अलावा जितने भी व्यंजन है वो सभी व्यंजन से कोई भी आए कि ह के अलावा या ह के अतिरिक्त सभी व्यंजन आ सकते हैं, उसके बाद में अनुनासिक या पंचवर्ण हो, कोई भी अनुनासिक या पंचवर्ण हो तो ये उसी वर्ग का पंचवर्ण में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ जो वर्ण आया है उसी वर्ग के पंचवर्ण में आगे वाला वर्ण बदल जाएगा। तो विकार क्या हो रहा है, प्रथम पद में हो रहा विकार, आगे अनुनासिक वर्ण आ रहा है, कोई भी पंचवर्ण आ रहा है तो उसके कारण प्रथम पद का अंतिम वर्ण है अपने वर्ग का पंचवर्ण हो जाएगा। जैसे दिग्धर नाग एक आया है, आगे न है पंचवर्ण है तो ये क्या हो जाएगा, क का पंचवर्ण न दिनांग, इसका क्या हो जाएगा, दिनांग। तत्दन्न तीसरा आया, आगे न है चौथा का पंचवर्ण न तन्न तन्न हो जाएगा, ये तत् तन्मुरारी, तो यहाँ त का पंचवर्ण आगे पंचवर्ण आया है, अनुनासिक वर्ण आया है, इसके सहयोग से इसका भी पंचवर्ण हो जाएगा ये तत् मुरारी। परस्वर संधि में दूसरा नियम है अनुस्वार के बाद, क्योंकि प्रथम पद में अगर अनुस्वार आता है, प्रथम पद में अनुस्वार उसके बाद में वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण यह वर्ग आता है, यहाँ प्रथम पद में प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में अनुस्वार होगा, उसके बाद में वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण है या यह वर्ग है तो अनुस्वार के स्थान पे परस्वर्ण हो जाएगा। परस्वर्ण की जो आगे वर्ण आया है, द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है, द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण आया है उस वर्ण का ये पंचवर्ण हो जाएगा, कि आगे वाले वर्ण या द्वितीय पद के वर्ण का पंचवर्ण हो जाएगा। जैसे साम दंत, इसका क्या हो जाएगा, तब यहाँ अनुस्वार है, तो देखो यहाँ अनुस्वार आ गया, प्रथम पद का अंतिम वर्ण यह अनुस्वार है और द्वितीय पद में त आया है तो अनुस्वार है, जो आगे वाले वर्ण का पंचवर्ण हो जाएगा, अनुस्वार का पंचवर्ण क्या होता है, का पंचवर्ण न अनुस्वार के स्थान पर न हो जाएगा शांत। कुम दंठित, आगे वर्ण कौन सा आया है, कुंठित,
कम दंठ, इसमें भी न हो जाएगा कंठ। हम दन कित्र, इसमें भी क्या हो जाएगा आत्मा का पंचमण। क्या होता है अंकित, उसी प्रकार से इस व्यंजन संधि का अंतिम नियम है तोड़ली। तोड़ली में त वर्ग के बाद में अगर ग आता है, क्योंकि प्रथम पद में त वर्ग आता है, त वर्ग के बाद में अगर ग आता है तो त वर्ग के स्थान पे उसका प्रस्वर यानी कि ल हो जाएगा। त वर्ग का प्रस्वर यानी कि त वर्ग के उस वर्ण के स्थान पे उसका ल हो जाएगा, उसका परस्वर यानी कि बाद में ल आ रहा है। प्रथम पद के, प्रथम पद के अंत में या अंतिम वर्ण त वर्ग का होगा, त वर्ग के बाद में अगर ल आता है तो त वर्ग के स्थान पे उसका ल हो जाएगा। अंतिम वर्ण द्वितीय पद के वर्ण के अनुसार उसका परस्वर हो जाएगा। से उत्त दंड लेगा तो यह क्या हो जाएगा, त का ल आके दीर्घ आया है तो उसका क्या हो गया उल्लेख। पद दंड लव, त का क्या हो जाएगा ल पर लव। तत् दंडी, इसमें भी क्या हो जाएगा त का ल दंडी। उत्त दंड लेख, इसका हो जाएगा लेख। इस प्रकार से हमारे कुछ व्यंजन संधि के कुछ साधारण नियम थे। इन नियमों का हम बार बार करके उदाहरणों को लेकर के अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही। सुबह